आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की चार बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं बांदा, और जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कालिंजर महोत्सव के आज उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देने के लिए आया हूं, और इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपने मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से ही मुझे बांदा जनपद के अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर हो रहा है। राष्ट्रनायक महाप्रताप की मूर्ति का भव्य अनावरण का कार्यक्रम, महाराजा खेत सिंह जुदेव जी की भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद अब मुझे नीलकंठ महादेव के इस पावन धरा पर अजय कालिंजर दुर्ग में इस कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये पूरा क्षेत्र ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। अनेक ऋषियों, सिद्धों ने, संतों ने अपनी पवित्र साधना के माध्यम से इसे पवित्र किया। महर्षि वामदेव भारत की परंपरा के, ऋषि परंपरा के उन्हीं संतों में से एक थे, जिनके नाम दादा जनपद बना। यहीं पर बगल में चित्रकूट है। चित्रकूट की महिमा को कौन नहीं जानता है। ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से अति प्राचीन काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र भगवान राम के वनवास कालखंड का सबसे अभिन्न सहयोगी रहा है। भगवान कामतानाथ का आशीर्वाद जहां पर सदैव प्राप्त होता है। अनेक दिव्य महापुरुषों, ऋषि मुनियों, विदुषियों का वहां पर सानिध्य प्राचीन काल से ही हम सबको प्राप्त होता रहा है। और आज जब मैं बांदा जनपद में आया हूं, तो वीरांगना दुर्गावती को कौन विस्मृत कर सकता है। भाइयों बहनों, बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महारानी दुर्गावती जी के नाम पर ही हमारी सरकार ने किया है, महारानी दुर्गावती के नाम पर। मैं आप सबको इस अवसर पर कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हमारा बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े ये प्रधानमंत्री मोदी जी की हार्दिक इच्छा थी, और मुझे प्रसन्नता है जब मुख्यमंत्री 2017 में मैं बना था, पहली यात्रा पे मैं बुंदेलखंड आया था, तब भी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आज जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं या मेरे साथ में थे, और तब मैंने कहा था कि बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए यहां के विकास की धुरी हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना करके करेंगे। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ने आपकी दूरी को प्रदेश से और देश से कम कर दी है। तो ये आप सुन रहे थे बांदा से सीएम योगी को। अब सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और हमेशा रहेगा।
उनके इस बयान के बाद से विपक्ष भी मुखर हो गया है और वो इस बयान की जमकर आलोचना कर रहा है। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद की, उसके बाद अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि इस देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये देश सबका है। ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर के किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को ख़त्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है। आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, इसके सियासी मायने क्या हैं? और जो हिंदू राष्ट्र वाला बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी, वो बयान के तमाम मायने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये बयान के और ये भी कहा था कि हिंदू शब्द है वो एक सांस्कृतिक शब्द है और शब्दावली है। जब भी भारत से कोई आदमी बाहर जाता है तो उसको हिंदू बोला जाता है, अगर भारत से कोई मुसलमान हज के लिए जाता है उसको हिंदू बोला जाता है। यही सांस्कृतिक शब्दावली है, हमारे देश के प्रति नागरिक पर ये फिट बैठती है। उस पूरे बयान का सारांश यही है, क्योंकि केवल ये बोलना कि उन्होंने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र और रहेगा, ये बात गलत है। उन्होंने अपने बयान को पूछते बताया है किस तरह उन्होंने ये बात कही है, उसका आधार क्या है। हालांकि चूंकि देश में कोई भी बयान होते हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, निश्चित रूप से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वही इस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी एक छवि है, वो एक कट्टर छवि उनकी है, उसी छवि के साथ जब वो बयान देते हैं तो उस बयान के लोग उसका अर्थ ना समझते हो, केवल उस बयान की जो मुख्य लाइनें होती जो मुख्य प्रसंग होता है उसको उठा लेते हैं, उस पर बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक तरह मुख्यमंत्री के बयान की समर्थन भी हो रहा है, स्वामी चक्रवाणी महाराज ने समर्थन भी किया है, तो दूसरी तरह बात करें असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या सपा के संबल से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क की बात करें, उन्होंने कहा है कि इस तरह बयान गलत है, भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था ना कभी हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो कहीं ना कहीं चूँकि बयान है और बयान पर जो प्रतिक्रिया लोगों की आना तय है तो उसमें कोई अलग बात नहीं है, पर निश्चित रूप से इस समय जब चुनाव आ रहे हैं, 10 राज्यों में चुनाव इस साल हो रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें निकाय चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है कि अप्रैल में निकाय चुनाव भी हो जाए, इसके अलावा 24 का आम चुनाव भी है, तो बयान का तमाम मायने। और चूँकि छवि अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो छवि उनकी ऐसी है कि हमेशा से कहते हैं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, पर जो मेरा धर्म है मैं उस पर अडग रहता हूं, जो मेरी व्यवस्था है उस पर अडग रहता हूं, जिसको मैं मानता हूं जिसके प्रति मेरी आस्था है मैं उस पर अडग रहता हूं, इसके लिए मैं दूसरा रूप अख्तियार नहीं करता। क्या माना जाए निकाय चुनाव को देखते हुए ये सारी पटकथा लिखी जा रही है? देखिए पटकथा तो नहीं कहूँगा, चूँकि अब समय समय पर इस तरह बयान आते रहते हैं और मुख्यमंत्री पहली बार ये बयान नहीं दिए, इसके पहले भी तमाम बातों पर जब बयान उनसे पूछिए गए उन्होंने कहा कि आप टोपी लगाएं, उन्होंने कहा था कि जो मैं जैसा हूँ मैं भगवा पहनता हूँ मैं भगवा रहूँगा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, पर जो वैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, ऐसा नहीं कि अंदर मैं कुछ पहनूँ और जब किसी कार्यक्रम में जाऊँ तो वहाँ और कुछ वस्त्र धारण कर लूँ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि है वो हमेशा एक रही है, वो एक लाइन में चलते हैं, एक व्यवस्था चलते हैं और उनकी जो बात होती है वो एक व्यवस्था के हिसाब से बात करते हैं। वो उनका कभी हमेशा उनका कहना रहा है मैंने जो कहा है मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको पालन करता हूँ और जो व्यवस्था हम चला रहे हैं उसी व्यवस्था चलते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इस धार्मिक प्रक्रियाओं को धार्मिक बयानबाजी करते हैं उनका देश में कोई स्वागत नहीं है, ना उनको सुनना चाहिए, देश सबका है और अगर प्रत्येक नागरिक को अगर हिंदू कहा जाए तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? गौरव, इस पूरे मामले पर ओवैसी ने भी निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश को सिर्फ तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं जानती। देखिए अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी हमेशा समय से बयान देते हैं, हालांकि हैदराबाद से सांसद है पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुद्दों में खासी दखल देती है। अगर हम बात करें ज्ञानवापी मुद्दे की बात करें तब भी वो यहाँ पर बयान देते रहे कि बाबरी छीन ली गई पर अब ज्ञानवापी नहीं छीनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं और चर्चा बने रहते हैं।
कोई भी मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे तबरेज का मुद्दा हो, ओबीसी के बयान सबसे पहले आते हैं। भले ही कोई मुस्लिम धर्म का नेता है, धर्मगुरु बयान ना दे, पर योगी के बयान हो या कुछ भी बयान हो, ओबीसी का बयान हमेशा आता है। धार्मिक मुद्दा हो और उनका बयान ना, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, अगर हम बात करें हिंदू राष्ट्र के बयान की, तो तमाम तरह के समझ में बयान आते रहते। अभी हमने देखा है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका भी नाम चल रहा है तमाम इंटरव्यू के माध्यम से, तमाम बातों के माध्यम से उन्होंने बयान दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो बयान की पटकथा है वो लगातार चली आ रही है, और बयानों का जो दौर है फिलहाल, धार्मिक बयानबाजी का दौर है, वो हमारे देश में मयूरी लगातार जा रही है। और फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि ये दौर 2024 का आम चुनाव तो चलता रहेगा। गौरव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मामले पर अपनी आवाज बुलंद की है, उन्होंने भी निशाना साधा है। जी बिल्कुल, मायावती अगर बात कर सक्रिय राजनीति तो नहीं इस समय वो कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी राजनीति, तो हमेशा ट्विटर पर उनकी राजनीति होती है। हाँ, समय समय पर अपनी पदाधिकारियों की बैठक जरूर लेती है, पर अगर सक्रिय राजनीति की बात करें, धरातली राजनीति की बात करें, तो फिलहाल अभी वो बसपा से कोसों दूर है, या बसपा से कोसों दूर है, बात यहाँ पर एक ही है। और कहीं ना कहीं वो ट्वीट के माध्यम से अपनी जो बात है वो जाहिर करती रहती है। और सपा की बात करें, भाजपा की बात करें, और इस बयान की बात करें, तो उनका कहना यही है कि जिस तरह के बयान है वो समाज में जहर घुलने काम करते हैं, और इस तरह के बयानों से दूर रहना चाहिए। भारत देश सबका है, और इस सबके देश पर किसी का यहाँ पर एकाधिकार नहीं है, सब यहाँ के नागरिक है, और इस तरह के बयान से सबको बचना चाहिए। धार्मिक बयानबाजी के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं। जी धन्यवाद गौरव, तमाम जानकारियों के लिए। एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी ने अपने दो महिला नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जी हां, समाजवादी पार्टी ने अपनी दो महिला नेताओं ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को निष्कासित कर दिया है। सपा ने यह घोषणा पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने लगातार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसके बाद पार्टी ने से निकाले जाने पर दोनों ही महिला नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था, और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं, और श्री रामचरित मानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है, और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है, तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ, और मैं इस देश की आत्मा और अपने बता दें, ये दोनों महिला नेताओं ने लगातार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, जिसके बाद पार्टी से निकाले जाने पर दोनों ही महिला नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, जिस तरह से सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, तमाम तरह के इस पे बवाल हुए, वहीं जब उनकी पार्टी की ही महिलाओं ने मोर्चा खोला तो अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो अब क्या माना जाए कि अखिलेश यादव का साथ मिल गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सी आ गई, जहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी से निकालने की बात पे अभी वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिना बोले अखिलेश यादव उनका पार्टी में प्रमोशन करते हुए राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजा। उसके ठीक बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अंदर के नेताओं के द्वारा भी विरोध देखने को मिला स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। बीते दिनों आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया कि मैं रामचरितमानस का समर्थन करता हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए कथन पर मैं समर्थन नहीं करता, उसका विरोध करता हूं। जिसके बाद आपको बताएं कि इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से दो बार की विधानसभा उम्मीदवार रही ऋचा सिंह को भी निष्कासित किया गया है, साथ ही साथ आगरा से
रोली तिवारी को भी निष्कासित किया गया है। आपको बताया कि कल समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि ऋचा राजपूत और ऋचा सिंह और साथ ही रोली तिवारी को पार्टी से निष्कासित किया गया है। वहीं आपको बताया कि आज सुबह ऋचा सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी बिना कारण बताओ नोटिस के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई की है और जो महिलाओं के प्रति सोच है वो समाजवादी पार्टी की बदल गई है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्या के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो जब से बयानबाजी आई है मयूरी उसके ठीक बाद से आगरा से रोली तिवारी और इलाहाबाद पश्चिम से विधायक पद की प्रत्याशी रही ऋचा सिंह लगातार विरोध कर रही हैं। इसका नतीजा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कल उन्हें ट्वीट करते हुए निलंबित कर दिया। अगर देखने वाली बात ये होगी कि जहां समाजवादी पार्टी अगर देखें तो दो महिला नेताओं को निष्कासित कर चुकी है, अब क्या राकेश प्रताप सिंह पे भी जो निष्कासन है वो उनका किया जाता है। वहीं आपको बताएं कि रोली तिवारी बीते दिनों एक टीवी से बातचीत करते हुए एक समाचार पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के पास स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और मेरे पास बांके बिहारी हैं। उसके ठीक बाद सियासी घमासान तेज हो गई थी कि क्या रोली तिवारी पार्टी की गाइडलाइनों के विपरीत बात कर रही है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और आज समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दोनों नेताओं को निष्कासित किया। जी विवांशु, तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने महिला नेताओं को निष्कासित किया है तो क्या पार्टी को इसका कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं, 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, रनर अप रही हैं और कहीं ना कहीं देखें तो इससे इलाहाबाद की इन सीटों में और खास करके ये दोनों नेता छात्र संघ से निकले हैं तो कहीं ना कहीं देखें तो पार्टी को इससे नुकसान देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि देखें तो ये दोनों नेता स्वर्ण समाज से आते हैं यानी कि अगड़े बिरादरी से आते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में क्या इस मामले को लेकर जो मतदाता है उनका रुख क्या रहता है। जहां एक तरफ दो नेताओं को दोनों स्वर्ण समाज के हैं, इनके निष्कासन के बाद जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं क्या वो इन मामलों को लेकर हमलावर होते हैं वो आने वाला समय बताएगा। मगर निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो आगरा में समाजवादी पार्टी के पास महज एक विधायिका थी रोली तिवारी, और वहीं अगर बात करें तो इलाहाबाद के अंदर में कहीं ना कहीं ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करते हुए नजर आ रही थी। मगर इन दोनों नेताओं के निष्कासन के बाद इन दोनों क्षेत्रों में सपा को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या वहां पर डैमेज कंट्रोल सपा के द्वारा किया गया। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इन दो नेताओं की कार्रवाई के बाद आपके अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह जो कि एक मंच से साफ तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जो दिए गए कथन हैं उसका मैं कहीं ना कहीं विरोध करता हूं, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई है वो तो आने वाला समय बताएगा। जी विवांशु, तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी में मची उथल पुथल के बीच अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, शिवपाल यादव अब सदन में अखिलेश यादव के साथ उनकी सीट के बगल बैठे हुए नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के पार्टी में वापस आने के बाद कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक अलग तरह का जोश देखने को मिला है। 20 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र शुरू हो रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव एक पंक्ति में बैठे हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस बार के सदन में कहीं ना कहीं जो सूर्य विवाद है, जो मानस विवाद है, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पक्ष सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आएगी। मगर बात करें तो जब से शिवपाल यादव की पार्टी में वापस एंट्री हुई है
तब से अभी तक पार्टी कार्यालय नहीं आए हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव लगातार उनके घर पे मिलते हैं और अब सदन में एक साथ बैठेंगे, मगर पार्टी कार्यालय कब आएंगे ये आने वाला समय बताएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, सदन में चाचा भतीजा साथ बैठेंगे, ये जोड़ी क्या कुछ रंग लाएगी? जोड़ी रंग लाए ना लाए, पर एक बात तो स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष को यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का जिस दिन से जुड़ाव अखिलेश यादव के साथ हुआ है, वहाँ पर जो परिणाम बदल के आए हो, मैनपुरी में जिस तरह जीत कर आए हैं और खतौली में जीत कर आए हैं, कहीं ना कहीं ये सपा समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई है। जिसको देखते हुए कहा जा रहा था कि जो शिवपाल सिंह यादव जो दूसरी पंक्ति बैठे थे, अब उनके लिए अखिलेश यादव के बगल में यानी पहली पंक्ति में बैठेंगे। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ पूर्व मंत्री अवधेश प्रताप सिंह बैठे थे, अब पूर्व मंत्री अवधेश प्रताप सिंह द्वितीय पंक्ति में बैठेंगे और यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव बैठेंगे। इसके लिए सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने एक विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर भी पत्र भी जारी किया है, उनको पत्र भी लिखा है और कहा है कि शिवपाल सिंह यादव की सीट अखिलेश यादव के बगल में की जाए और फिलहाल शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे। और कहीं ना कहीं जो जुगलबंदी है, इसके जो परिणाम हमको देखने मिले हैं, मैनपुरी देखने मिला, खतौली देखने मिला, और चूंकि सपा यहाँ प्रयास कर रही है कि जो विपक्षी की भूमिका जनता ने उनको दी है उस भूमिका की तरह पूरी तरह निर्वाह करे और यह बेहतर तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र अभी शुरू होने वाला है, बजट सत्र रहेगा और योगी सरकार यहाँ बजट पेश करने वाली है। गौरव, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि शिवपाल यादव को सदन में तो अखिलेश यादव की के बगल वाली सीट दे दी गई है, मगर अभी तक सपा कार्यालय क्यों नहीं गए हैं शिवपाल यादव? अब ये बड़ा प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर कार्यालय नहीं गए हैं, अभी तक उन्होंने अपना कार्यालय भी नहीं छोड़ा, इसके अलावा वो कार्यालय भी गए नहीं गए, अभी तक होल्डिंग्स भी वहाँ पर लगी हुई है, प्रसपा के तमाम बोर्ड भी उनके कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी संशय यहाँ पर बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ाव तो हुआ है, जुड़ने के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, इसके अलावा उनको सीट भी यहाँ पर दी जा रही है और कहीं ना कहीं चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। मैनपुरी चुनाव की बात करें और अगर चुनाव की बात करें खतौली चुनाव की बात करें, क्योंकि अगर मैनपुरी की बात करें तो जसवंत नगर की जो विधायकी सीट उनकी है और निश्चित रूप से जसवंत नगर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम बात करें तो लगभग 40% से ज्यादा वोट जसवंत नगर से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को यहाँ पर मिले थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रश्न ये भी है कि अभी तक कार्यालय नहीं गए हैं, पर जिस तरह से बैठक लगातार हो रही है, मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, सीट उनको दी जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है कि जुड़ाव तो हो चुका है, पर जुड़ाव को अभी यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की तरफ से पूरी तरह से जाहिर नहीं किया गया है। हालांकि अब जब से वो सपा के साथ में आए हैं तब से लगातार वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर हो चुके हैं और लगातार उनका जो प्रहार है वो बीजेपी सरकार पर होता दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। रामचरितमानस पर उठा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़ा करके विवाद खड़ा किया था, उसके बाद से लगातार इस मुद्दे पर कोई न कोई नया बखेड़ा सामने आ रहा है। अब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति ने सपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने पोस्टर लगाकर उसमें लिखा है कि जे बर्थम तेली कुम्हारा खपच की रात कोल कलवारा, ये लिख कर उन्होंने कहा है कि ये चौपाइयां भी रामचरितमानस से हटाई जाएं, क्योंकि इससे कुम्हार जाति का अपमान हुआ है। रामचरितमानस की पक्तियों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, आए दिन इन पक्तियों पर नए विवाद और नए एंगल होते ही जा रहे हैं। इस समय हम सपा कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और एक पोस्टर बकायदा यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पोस्टर डॉक्टर राकेश प्रजापति, जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है और बकायदा इस पोस्टर में अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का सिंबल और खुद उनकी भी तस्वीर है और इस पोस्टर में रामचरितमानस की एक पंक्ति लिखी हुई है जिस पर ये विवाद है। पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, रामचरित मानस को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि एक और मामला सामने आ गया है, फिर से चौपाइयों को लेकर घमासान शुरू हो गई है। देखिए, मैं
रामचरितमानस विवाद के बाद लगातार ही इस मामले में एक नया मोड़ दूसरा चला जा रहा है। अगर आज की बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राकेश प्रजापति, उन्होंने भी एक बोर्ड लगा के, एक होर्डिंग लगा के रामचरितमानस की पक्तियों चौपाइयों पर अपनी आपत्ति और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने बाकायदा इस बोर्ड पे अखिलेश यादव की फोटो मेंशन की है, स्वयं प्रसाद मौर्य की फोटो मेंशन की है, खुद की फोटो मेंशन की है और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसकी भी फोटो मेंशन करके बाकायदा इस चौपाई को लिखा है। जिस चौपाई को मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ, इस चौपाई पे यह विरोध है कि जे बर्नादम तेल कुमारा स्वपचत किरात कोल कलवारा। राकेश प्रजापति ने इस चौपाई को कोट करते हुए कहा कि इस चौपाई के माध्यम से तेली कुम्हार कोल जैसी जो जातियां हैं उनके लिए आपत्तिजनक बात कही गई है, नीच जातियों को बताया गया है और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपत्तिजनक चीज़ें हैं और या तो रामचरितमानस को बैन करना चाहिए या इन पंक्तियों में सुधार करना चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए। रामचरितमानस से उठा यह विवाद जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया रुख मोड़ ले रहा है और लगातार जो है आए दिन इस पर नए नए विवाद जो है चैप्टर ऐड होते जा रहे हैं। इस समय एक और विवाद जो है इस पर जुड़ता हुआ चला जा रहा है। मयूरी जी, विवेक, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद राकेश प्रजापति ने जिस तरह से चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, पोस्टर लगवाए हैं, तो क्या इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का अभी तक कुछ रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अखिलेश यादव का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भी बात पर भी खुलकर नहीं बोले थे, कहीं ना कहीं वो पीछे से उनको बैक सपोर्ट दे रहे थे और समाजवादी पार्टी ने उसको राष्ट्रीय महासचिव सचिव भी बनाए क्योंकि उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ जो है विरोध के सुर रामचरितमानस की चौपाइयों पे बयान के बाद उठने शुरू हो गए थे। तमाम बड़े पदाधिकारियों ने, चाहे वो शिवपाल यादव खुद हो या फिर रविदास मल्होत्रा, उन्होंने उनका एक निजी बयान बताया था और समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, इस बार का खंडन भी किया था। लेकिन इसके बाद लगातार जो है इस मुद्दे पर विवाद बढ़ना शुरू हुआ और एक एक मोड़ जो है चैप्टर इसमें जुड़ता चला जा रहा है। लगातार जो है एक नए एंगल से इस चीज को देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें नए एंगल रामचरितमानस के जुड़ते चले जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मानस पे घमासान जो है वो लगातार जारी है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो लगातार बैनर होर्डिंग और पोस्टर के जरिए जो है रामचरितमानस के पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसको जो है सपोर्ट भी कर रही है, पिछड़े वर्ग को लेकर, दलित को लेकर। और कल ही जो है उन्होंने दो सवर्ण जातियों से संबंध रखने वाली अपने महिला कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी किया और तो देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से स्वयं प्रसाद मौर्य और ऐसे नेताओं को बैकहैंड सपोर्ट कर रही है। मयूरी, विवेक, अगर देखें तो लगातार समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर वो साबित क्या करना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, इन चौपाइयों के माध्यम से बताया गया है कि इसके पहले शूद्र की बात हुई, चौपाई में शूद्र का जिक्र था, ताड़ना शब्द पे काफी ज्यादा विवाद हुआ था जिसको क्लेरिफिकेशन देना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात पे क्लेरिफिकेशन दिया था कि जिन लोगों ने इस पे विवाद उत्पन्न कर रहे हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं और उन लोगों ने रामचरितमानस को कभी पढ़ा ही नहीं, राम के चरित्र को कभी जाना ही नहीं। इसके बाद लगातार जो है जो सपा के छोटे बड़े नेता है रामचरितमानस की चौपाइयों को कोट करते हुए कह रहे हैं कि जो निम्न वर्ग है, जो प्रजापति समाज है, ओबीसी वर्ग है, जो तेली समाज है, जो कुमार समाज है, उनके लिए आपत्तिजनक चीजें इस चौपाई में कही गई है, रामचरितमानस में कही गई है, जिसके लिए उनका अपमान किया जा रहा है। और अब भी जो है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चीजों को देखा जा रहा है और आजादी के 75-76 वर्ष बाद भी ऐसी चीजें समाज में व्याप्त है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।